स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.5। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। देखिए 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस है इसमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये शो करना है या प्रूव करना है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको आपका प्रूफ हो जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको ये प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स लाएंगे, फिर राइट साइड में या तो एफ ऑफ एक्स आ सकता है, ऐसा आ गया तो इसको सॉल्व करना आपको पता है, या एफ ऑफ वाई आ सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा आ गया इसको भी सॉल्व करना आपको आता है, या एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाए इसको सॉल्व करना भी आपको आता है। तो ये तीनों फॉर्म नहीं आएंगे। फिर अपन देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री जो है वो इक्वल दिखाई देगी, इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अपने को पहले ऐसा पता चल जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, dy by dx के इक्वल जो फंक्शन रहेगा उसको f ऑफ x, y के इक्वल सपोज करेंगे और उस f ऑफ x, y इक्वल टू जो भी रहेगा उसमें x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y रख के सॉल्व करके इस फंक्शन को 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करेंगे। लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 f ऑफ x, y इतना अगर प्रूव कर देंगे तो dy by dx के इक्वल जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आएगा, तो उसको हम 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। ऐसा अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करके y अपॉन x के फॉर्म में बनाएंगे और y अपॉन x को v पुट करेंगे, y इक्वल टू bx लिख के उसको डिफरेंशिएट करके dy by dx की वैल्यू निकालेंगे b और dv के टर्म में, और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर y अपॉन x के प्लेस पे b और dy by dx की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो वापस आपके ये जो तीन फॉर्म थे dy by dx is equal to f of x या dy by dx is equal to f of y या dy by dx is equal to f of x into f of y या वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग तीनों में से जो भी बनेगा उसको सॉल्व कर देंगे और आखिरी में जब आपका आंसर फाइनल स्टेज तक आ जाएगा उस कंडीशन में वहां पर v के प्लेस पे वापस y अपॉन x रख के उसको रख देंगे तो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे अपन ने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए वैसे ही अपन थर्ड को करें। तो देखो ये x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो मैं dy वाली टर्म को यहीं रहने देता हूँ, dx वाली को इधर शिफ्ट करता हूँ, व्हिच एम्प्लाइज x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई डी एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स बना लो, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के फॉर्म में कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई के फॉर्म में कर दो, व्हिच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x प्लस वाई यहीं पर है x प्लस वाई और ये वाला x माइनस वाई नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। अब देखो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये dy by dx is equal to f of y भी नहीं है, ये dy by dx is equal to f of x into f of y भी नहीं है, मतलब तीनों चीज तो नहीं है। तो आप देखो फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 है, सेकंड टर्म की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में देखो फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 1, हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है 1 1। इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हमको इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है पहले, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन दिख रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इसको अपने को 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा। ये अगर 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा बस, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। तो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैं इस फंक्शन को f ऑफ x, y के इक्वल सपोज कर रहा हूँ। लेट f ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब आप x के प्लेस पे लैम्डा x रख दो और y के प्लेस पे लैम्डा y रख दो दोनों साइड, व्हिच एम्प्लाइज f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रख दो आप x और y के प्लेस पे, x के प्लेस पे लैम्डा x प्लस y के प्लेस पे लैम्डा y अपॉन x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो व्हिच एम्प्लाइज f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू, नोमिनेटर से लैम्डा कॉमन निकाल दो तो ये एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन निकाल दो तो एक्स माइनस वाई। देखो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, हम कैंसिल ना करके लैम्डा की पावर जीरो लिख देते हैं इसको, वन पावर में से वन पावर माइनस कर देंगे तो जीरो पावर हो जाएगी। विच एम्प्लाइज एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेस्ट टू द पावर जीरो हो गई और ये बचा आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको f ऑफ x कॉमा वाई लिख सकते हैं, f ऑफ x कॉमा वाई। देखो हमने क्या किए, ये जो फंक्शन था इसको जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कर दिए। तो अब ये जो इक्वेशन था आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये जीरो डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देयरफोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो डिग्री। आप जीरो डिग्री लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे बस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो हमेशा जीरो डिग्री का ही होगा क्योंकि उसकी डिग्री कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी पावर रहती है वो कैंसिल हो जाती है तो जीरो डिग्री का ही आता है। हैंस प्रूव्ड लिख दो आप, ये हमने प्रूव कर दिए कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं ये जो इक्वेशन है इसी को ले लेता हूं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर आपको y अपॉन एक्स दिख रहा है, दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स में y अपॉन एक्स। इसका मतलब ये है कि इसके राइट साइड को भी आप y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाने के लिए x कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकाल लो तो वन माइनस वाई अपॉन एक्स, इंटू करके देख लो आप, ऊपर इंटू करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, नीचे इंटू करेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। देखो ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में ले आया मैंने, ये x से x को कैंसिल कर दो। अब ये क्या हो गया फाइनली, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस y अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स। देखो हमने होमोजीनियस इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लेके आ गए। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये y अपॉन एक्स को b सपोज कर लेते हैं और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो y अपॉन एक्स के प्लेस पे b और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे b और dv बाई डी एक्स के टर्म में, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अपना इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में आएगा जिसका सोल्यूशन अपने को पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक ऐसा बना देंगे आप इक्वेशन, ये पहचान है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, तो ये y अपॉन x समझ लो इसको, इसको आपको y अपॉन x के फॉर्म में लिखना है। और कभी यहाँ पर dx बाई dy आ जाए तो फिर उसको x अपॉन y के फॉर्म में बनाना पड़ता है, ऐसा याद रखें। चलिए अब कोट y अपॉन x इज इक्वल टू b, y अपॉन x को b रख देंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू बी एक्स, इसके प्लेस पे तो y अपॉन x रख देंगे, dy बाई dx को भी चेंज करना पड़ेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू b इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो x का 1 हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। देखो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली हमने, dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू और y अपॉन एक्स की ये वाली वैल्यू भी, इसको इक्वेशन 1 में रख दो बस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, ये dy बाई डी एक्स के प्लेस में b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 प्लस y अपॉन x को भी रखेंगे तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v हो जाएगा, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। आगे ऐसा अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके केवल dv/dx को इधर रहने देंगे, तब अपने को पता चलेगा कि तीन फॉर्म में से कौन सा फॉर्म बन रहा है। v को इधर शिफ्ट करता हूं, which implies x dv/dx is equal to 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। एलसीएम ले लो इधर, x dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस v, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस v और ये माइनस v का 1 माइनस v में इंटू करेंगे तो माइनस v और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर। ये नेगेटिव v और पॉजिटिव v को कैंसिल कर लो। अब ये 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर बच गया, नीचे 1 माइनस v और ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं। ये हो गया dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन ये x इंटू 1 माइनस v, ये x को नीचे ले आया। अब देखो इधर dv/dx इज इक्वल टू f(v) इंटू f(x) है ना। देखो f(x) के प्लेस पे 1 अपॉन x और f(v) के प्लेस पे 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, है ना। जैसे x और y रहता है तो x तो है इसके अंदर, y के प्लेस पे v है। बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, करो भाई सेपरेट। तो देखो ये v वाले को dv की साइड ले आते हैं और 1 अपॉन x में ही रहने देंगे, dx को इधर करते हैं तो ये 1 माइनस v ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x और ये dx, ये 1 अपॉन x है और ये dx को मैंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ dv दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, integrating on both the sides, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। चलिए अब इसको सॉल्व करना अपने को। इसका तो इंटीग्रेशन लॉग नॉट ऑफ x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखो, डायरेक्ट 1 प्लस v स्क्वायर को टी पुट करने से ये नहीं आएगा, लेकिन अगर अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डायरेक्ट आपका tan इनवर्स v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स v हो जाएगा। और ये माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर ऐसे फॉर्म में आएगा कि नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो v dv की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अलग अलग डिवाइड करो। दैट एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रल v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू ये 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग नॉट ऑफ x। इधर का इंटीग्रेशन का साइन हट गया, आप चाहे तो यहीं पे c लगाओ, है ना। इंटीग्रेशन के साइन हट जाए तो c लगाते, या फिर आप जब ये वाले भी साइन हट जाएंगे तब भी लगा सकते हैं। अपन यहीं लगाना है अपने को, राइट साइड में तो यहीं लगा दिया। अब 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर जो है, ध्यान से देखना जरा, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स v हो जाएगा। अब देखो इसको टी पुट करने से ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन अब कौन टी पुट करे? देखो अपने पास में एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c। मतलब नीचे जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो, उसी का डेरिवेटिव ऊपर हो, नीचे f ऑफ x हो ऊपर f डैश ऑफ x हो, तो डायरेक्ट log f ऑफ x हो जाता है वो। तो देखो ये 1 प्लस v स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 2v आएगा। यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2v लिख दे अपन तो डायरेक्ट ये 2v जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बिना टी पुट करे अपन वो फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 का इंटू कर देता हूँ, ऐसा मैथमेटिक्स करने के लिए बोलता नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन आप 1 अपॉन 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ और वो फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा? इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स वाला। चलिए मैं यहाँ पे 2 का इंटू कर दे रहा हूँ, ये 2v कर दिया मैंने, और यहाँ 1 अपॉन 2 का इंटू कर दे रहा हूँ। अब कोई मना नहीं कर सकता है, मैथमेटिक्स की लिमिट के अंदर आ गया, रेंज के अंदर आ गया। ऐसा कर सकते हैं आप मैथमेटिक्स अपने फायदे के लिए। मैथमेटिक्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के जो फाउंडेशन है उसके अंदर आपको रहना है। अपना फायदा क्या हुआ कि अपने को उसको टी नहीं पुट करना पड़ा, बिना टी पुट करे अपना काम हो जा रहा है। तो व्हिच एम्प्लाइज 1/1 + v² dv का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v माइनस ये 1/2 बाहर है, नीचे दिख रहा है आपको ये एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसको डायरेक्ट log एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 + v² हो गया इज इक्वल टू log mod ऑफ एक्स प्लस c। यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, लिख दूं क्या फॉर्मूला, सेंस इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाला लगाते तो सी तो अपन ने उधर लगा दी इसलिए यहाँ लगाने की जरूरत। अब वापस कोट बी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रख दो, बी के प्लेस में वाई अपॉन एक्स फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log 1 + v² करेंगे तो y² अपॉन x² इज इक्वल टू log ऑफ x और प्लस c। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log, यहाँ पे एलसीएम ले लो x² एलसीएम, तो ये x² + y² हो जाएगा इक्वल टू लॉग मोड ऑफ x और प्लस c। यहाँ पर log m अपॉन log n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log x² + y² और ये सामने के -1/2 का इंटू भी कर दे रहा हूँ मैं। अब देखो ये log m हो गया और 1/2 का इंटू करे तो -1/2 log m हो गया, माइनस log n रहता है तो ये माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो +1/2 log x² इज इक्वल टू log mod ऑफ x और प्लस c। आ रहा समझ में, इसमें मैंने log m अपॉन n का इंटू किया और -1/2 सामने था तो -1/2 का इंटू कर दिया है दोनों टर्म में। अब ये वाला जो x² दिख रहा है आपको, ये 2 को सामने ले आते तो ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, which implies ये tan inverse y upon x minus 1/2 log x² + y² प्लस, देखो ये वाला जो 2 दिख रहा है आपको और ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 सामने आएगा तो मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको, केवल log x लिख रहा हूँ, हो गया ना कैंसिल वो 1/2 से 2 इज इक्वल टू log mod ऑफ x और प्लस c। अब देखो ये log mod ऑफ x दिख रहा और ये log x दिख रहा है ना, अपन इसको कैंसिल कर, log mod ऑफ x मतलब log x से ही आएगा, कोई वैल्यू होगी उसकी तो अपन इसको यही कैंसिल कर देते हैं, mod ऑफ x का मतलब भी log x ही है, पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई। अब सिर्फ इतना बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स को यही रहते तो -1/2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये +1/2 log x² + y² और प्लस c। बस दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 log x² + y² और प्लस c। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स y अपॉन x, ये ब्रैकेट लगाया अपन नहीं लगाया, 1/2 log x² + y² प्लस c आ गया ना आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x² - y² dx + 2xy dy = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है या ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब dy/dx जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन आपका 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि dy/dx = lambda⁴ f(x, y) ऐसा यदि आपने प्रूव कर दिया तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको dy/dx के फॉर्म में बनाते हैं, व्हिच एम्प्लाइज ये dy वाली टर्म को यहीं रहने दो, 2xy dy = ये dx वाली को इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ये -x² - y² इकट्ठे ले आया मैंने पूरे ब्रैकेट को और ये dx अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी एक्स को नीचे ले आओ और ये 2xy को इधर नीचे ले आओ, व्हिच एम्प्लाइज ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy, ऐसा आया। अब देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इधर एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये एफ ऑफ वाई भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई भी नहीं है क्योंकि ये दोनों टर्म मिली वाली है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई भी नहीं, मतलब तीनों नहीं है। अब जब तीनों नहीं है तो फिर चौथी चीज आपको देखना, यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है, यहाँ भी डिग्री 2 दिख, हर एक टर्म की डिग्री 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 दोनों को मिलाएंगे तो 2 डिग्री हो जाएगी, मतलब हर एक टर्म की डिग्री 2 है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अपने बोलने से नहीं होगा, अपने को इसको प्रूव करके दिखाना, क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला तो एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई रख के सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ मैं इसको, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल ले लेता हूँ और उसमें एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई रख के सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज़्ड टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पूरा ये 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन करने के पहले सारी चीजों को एनालाइज करके बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पुरानी जो चीजें पढ़ ली क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं मिलता आपको, यहाँ तो आपको होमोजेनियस बोल के दे रहा है वो कि प्रूफ करना ये करना है। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और सॉल्व लिख दिया उसने, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसा इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो लेट एफ ऑफ कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy ना, मैंने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल ले लिया। अब इसको हमको 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ कर देना है बस, अगर ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 0 डिग्री का। तो इसमें x के प्लेस पे लैम्डा एक्स और y के प्लेस पे लैम्डा वाई रख के सॉल्व कर लो तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वेयर करेंगे तो लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे तो लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा और अपॉन 2x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y। आराम से सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं न्यूमरेटर से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर इंटू 2xy। अब देखो ये लैम्डा स्क्वायर पावर 0 हो जाएगी तो विच एम्प्लाइज एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज, देखो ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाके पावर माइनस लैम्डा रेज़्ड टू 0 हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा रेज़्ड टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो हमने एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई को लैम्डा रेज़्ड टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे लिए थे ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, जब ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ में यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 0 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, प्रूफ हो गया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy is a homogeneous differential equation of 0 degree। ये 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हर इक्वेशन में हम आपको बता रहे हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है उसकी डिग्री 0 ही होती है, उसकी डिग्री 1 या 2 ऐसे नहीं रहेगी। होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होती है 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 हो जाती है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन लगा दिया ट्रू, फॉल्स होती है 0 होती है। 4 ऑप्शन दे दिया, एक फंक्शन बना के दे दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी डिग्री है, बच्चे को दिख रहा है ऊपर 2 पावर दिख रही, सबने खट से लगा दिया 2 डिग्री इसकी, बोलेगा इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा ही नहीं है इसने, ठीक से शॉर्ट में पढ़ लिया आखिरी आखिरी में फटाफट, इसको पता ही नहीं है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 आती है। आती ना, अभी आ रही है, अपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, चारों में 0 डिग्री आई, आगे भी आएगी। चलिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो था ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया 0 डिग्री का। हैंस प्रूफ लिख दो, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन ने बोला था इसको प्रूफ करने के लिए, इसलिए अपन ने प्रूफ किए। जब बोलेगा तो आपको प्रूफ करना, नहीं बोलेगा तो फिर प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फिर अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया अपने को कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ट्रीटमेंट देके सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? पहले तो जो इक्वेशन दिया है, अगर dy/dx इक्वल टू कुछ दिया है तो उसको y/x के फॉर्मेट में रखते हैं, और फिर y/x को भी पुट करके डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख के सॉल्व करके 3 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म बनेगा, और लास्ट में v के प्लेस पे y/x रख देंगे। चलिए, नाउ ले लो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला dy/dx इज इक्वल टू ये माइनस x² माइनस y² अपॉन 2xy। अब देखो यहाँ पर ये y/x दिख रहा है, dy/dx में देखता हूँ मैं, और आपको भी यही देखने का बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ, अपन क्वेश्चन करेंगे dy/dx के ऊपर, dy/dx के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है dx/dy के ऊपर, तो वहां भी बच्चा फिर उसको y/x के फॉर्म में बनाता है और क्वेश्चन को उलझा के उल्टा सीधा कर देता है। वहां आपको x/y के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको ये हाईलाइटर से बता भी रहा हूँ कि y/x का फॉर्म है। अब इसको y/x में कन्वर्ट करना है, तो y/x में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 2 डिग्री दिख रही, तो x² कॉमन निकाल लो, नीचे से भी x² कॉमन निकाल लो। व्हिच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस तो सामने है, x² कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस y² अपॉन x² हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब जितना आप ऊपर से कॉमन निकालते उतना ही आपको डिनोमिनेटर से कॉमन निकालना है, क्योंकि डिग्री 2 है तो x² ही कॉमन निकालेंगे। आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे x² दिख नहीं रहा, कहाँ से निकालेंगे। कभी कभी जो चीज़ नहीं दिखाई देती है वो भी रहती है। इसको लिखेंगे 2 × y/x। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, तो वापस आपको ये मिल जाएगा, माइनस सामने है, ये x² और ये x² कैंसिल होकर माइनस x² माइनस y² आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1x कैंसिल हो जाएगा, 2xy आ जाएगा। ये x² से x² को कैंसिल कर लो, आगे क्या हो गया, व्हिच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस y² अपॉन x² को y/x होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर में 2 × y/x। देखो मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को y/x के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए y/x को भी पुट कर देता हूँ, पुट y/x = v। इसको एक इक्वेशन दे दो आप, वैल्यू रखना पड़ेगा अपने को। y/x को भी पुट कर दो, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y = vx। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx = v * x। v फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन v dy/dx, सेकंड x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस सेकंड फंक्शन x, v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में dv/dx। इसको और ऐसा लिख सकते हैं अपन, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब देखो हमने dy/dx की भी वैल्यू निकाल ली है, y/x की वैल्यू भी है। इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख के सॉल्व कर लेंगे। हो गया लिखना? चलिए मैं अगले पेज में लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx के प्लेस पे ये वाली वैल्यू v प्लस x dv/dx, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही 1 माइनस ये y/x को भी रखेंगे तो 1 माइनस v² हो जाएगा अपॉन 2v हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस v² अपॉन 2v। देखो वैल्यू सही रखी है कि नहीं, ये 1 माइनस v² हो गया अपॉन 2v, और ये सामने माइनस है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इधर अपने को केवल डी बाई डी एक्स बचाना, ये वी को इधर शिफ्ट करो, विच एम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन का मैं अंदर इंटू कर लेता हूँ तो ये वी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और वन माइनस का हो जाएगा अपॉन टू वी और ये माइनस वी, इधर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वी एलसीएम, टू वी कैंसिल वन का इंटू करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस वन और वन से डिवाइड करें टू वी का इंटू माइनस वी में करें तो माइनस टू वी स्क्वायर, तो और सॉल्व कर दो तो ये एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मैं इधर, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर तो माइनस वी स्क्वायर हो गया और ये माइनस वन अपॉन टू वी इंटू एक्स, ये एक्स को नीचे ले आया मैंने, ये वाले ऊपर से आप माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं माइनस साइन को कॉमन, विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन निकाल के वन प्लस वी स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, वी स्क्वायर प्लस वन भी लिख सकते हैं, वन प्लस वी स्क्वायर अच्छा लगता है तो मैंने ऐसा लिख दिया, अपॉन टू वी इंटू एक्स। अब देखो इधर डी वी बाई डी एक्स बन गया, इधर एफ ऑफ वी के प्लेस पे वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी इंटू एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे माइनस वन अपॉन एक्स, है ना, दोनों वेरिएबल इंटू में दिख रहा है, एफ ऑफ वी इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर ले। अब देखो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए वन प्लस वी स्क्वायर नीचे आएगा और मैं टू वी को ऊपर कर देता हूँ, मैं चाहूँ तो टू को यहाँ छोड़ सकता हूँ लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वन प्लस वी स्क्वायर नीचे आएगा और टू वी ऊपर रहेगा तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे फंक्शन रहेगा ऊपर उसका डेरिवेटिव रहेगा, नीचे वन प्लस वी स्क्वायर रहेगा इंटीग्रेशन में ऊपर टू वी रहेगा तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स वाला, इसलिए मैं क्या करता हूँ ये टू वी और वन प्लस वी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करो तो ये हो गया आपका 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर और ये dv है क्या इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स और ये डी। देखो बेटा सब बराबर होना चाहिए, कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो। 2 को भी मैंने इधर ले आया, सोच के लाया है क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सोचने का खेल है, सोचना पड़ता है इसमें, हमेशा नहीं सोचना पड़ता लेकिन बहुत सी जगह सोच के ही करते हैं तो काम आसान हो जाता है और बिना सोचे करो तो फिर काम बढ़ता है। अब देखो इधर dv दिख रहा है इधर dx दिख रहा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रल ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर dv इज इक्वल टू ये माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स dx, ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज, देखो ये 2v ऊपर है और 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे, 1 प्लस वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और 2v का वी स्क्वायर का 2v आ जाएगा तो ये 2v आ जाएगा, मतलब ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है नीचे एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका लॉग और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स और इंटीग्रल हट गए तो प्लस सी लगा दो, सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। क्या होता है कई बार कॉपी चेक करने वाला ये फॉर्मूला यूज नहीं करता है, वो नीचे वाले को टी पुट करके करता है, फिर वो ऐसा कभी ढूंढने की कोशिश करे तो उसको यहाँ से उसकी आँख खुल जाए कि ऐसा होता है, बच्चे को मालूम है, उसको नहीं भी पता होता। अब मैं ये माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, लॉग वन प्लस वी स्क्वेयर प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसमें log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा देते, log m प्लस log n विच एम्प्लाइज log 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके ये m हो गया n हो गया इज इक्वल टू सी, ऐसा हो गया बस। अब क्या करते हैं कि अब v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू क्या थी y अपॉन एक्स, चलिए यहाँ पर v की वैल्यू रख देते हैं, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये केवल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y अपॉन x के प्लेस पे v रखा गया। अपना काम हो गया, वो सॉल्व हो गया, तो वापस आपको जहाँ का सामान वहाँ वापस करना है। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये आ रहा है लॉगरिथमिक फॉर्म में और आंसर चाहिए अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब सोल्यूशन है तो y की वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ देखिए लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो मैं इसके बेस में ई मेंशन कर देता हूँ। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे बेस में ई है तो ई बेस में ही रहेगा, इधर की क्वांटिटी पावर में आ जाती है और यहाँ जितना भी लिखा हुआ है वो सब इक्वल टू के साइड में चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर, पावर में सी लिख दो, इज इक्वल टू ये वाली क्वान्टिटी पूरी इधर आ जाएगी, क्या 1 प्लस y square upon x square into modulus of x। समझ आया? कई बार यूज कर लिए बने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। विच एम्प्लाइज ये ई रेस टू सी को अपन अभी सी रखेंगे, ई रेस टू सी इज इक्वल टू, ये देखो ये मॉडुलस का साइन है, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, अपने को पता नहीं, तो मैं प्लस माइनस दोनों ले लेता हूँ। ये प्लस माइनस सामने लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू एक्स कर दिया मैंने, उसका मॉड हटा दिया है और यहाँ प्लस माइनस लगा दिया। अब ये एक एक्स से ये वाले स्क्वायर को कैंसिल कर दो और ये प्लस माइनस के साइन को इधर लगा देते हैं, दोनों साइड प्लस माइनस का इनटू, इधर प्लस माइनस आ जाएगा इधर फ्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इतना बचा है ना। अब इस प्लस माइनस ई रेस टू सी को अपन खाली सी लिख सकते हैं, तो ये सी और ये वाले एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू सी। ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये सी एक्स वाई टर्म को इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर लिखना हो तो लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए क्वेश्चन सॉल्व होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है, पूरे संस्कारों के थ्रू सॉल्व होता है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर दिखा रहे हैं आप, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स।